जेएनयू के पूर्व छात्र नेता शहला राशिद के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी शहला को देशद्रोही करार दिया। शहला के पिता अब्दुल रशीद ने कहा कि उनकी बेटी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये शहला रशीद का मैं बाप हूँ और आपको पता है कि वो 2017 में कूद गई है कश्मीर पॉलिटिक्स में शहला रशीद, और ये अचानक एक सरप्राइज एलिमेंट था मेरे लिए। उससे पहले ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी, सीपीआई बाजाबता सीपीआई ने इसको प्रोजेक्ट किया था। अपनी पार्टी का मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर है ये, और धीरे धीरे आगे चलकर मुझे पता चला कि उन्होंने इसकी सीट भी फिक्स कर रखी थी मेरठ के लिए। तो एक दिन इसने मुझे प्रपोजल भी वहाँ का बता दिया, एक लड़का मेरठ का जो इसके साथ शादी करने वाला था, मेरे को बुलाया भी गया था कि आप आ जाओ मेरठ में इसकी शादी होने वाली है, जो मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा नहीं, हमें उधर शादी नहीं करनी है इसकी, तो मैं घर में ही बैठा रहा। उसके बाद ये अचानक छोड़कर आ गई और कश्मीर पॉलिटिक्स में कूद गई। आपको क्या लगता है कि ये पैसा हिंदुस्तान से ही आता है कि बाहर हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। देखिए इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है, जैसे आप नाम ले रहे हैं जहूर वटाली का और फिरोज पीरजादा का, इनके देखो कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है यूएस में। तो ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया है, जब शाह फैसल 2 साल के लिए एजुकेशन लीव पे गए थे, तो ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया है। इस पार्टी की फॉर्मेशन ही वहीं हो गई है। आपको लगता है कि देश के खिलाफ जो ये नारे लगाते हैं जेएनयू में, नहीं लगाने चाहिए? क्या उसके लिए फंडिंग आती है? ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शहला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल है। सर, आपको क्या पैसा मिल रहा है? जी आपको पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शहला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। यहाँ पे कठुआ का रेप केस हुआ था, तब भी शहला का बड़ा नाम आया था और उसमें भी फंडिंग का। देखिए ना फंडिंग, मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ। और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। एज ए फादर आपने कभी समझाया उसको? बहुत, 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने इसको, कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। धमकी मिल दी इन्होंने मुझे, धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ।